एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी उसे फुर्सत मिलती, वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। बच्चे और आम के पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो आना बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद किया करता था। चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी फीस भर देना। बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ हर पल उसकी राह देखता रहता। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, लेकिन इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डालियों को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान लड़के ने पेड़ की सभी डालियां काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था, वो बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी कि वो लड़का उसके पास फिर आएगा। फिर एक दिन अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सिर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो उठी। दोस्तों, वो आम का पेड़ और कोई नहीं बल्कि हमारे माता पिता हैं। हम जब छोटे थे तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए, उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ी या कोई समस्या आन खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, जाकर उनसे लिपटें, उनके गले लग जाएं, फिर देखना वृद्ध अवस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सिर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी।